हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे देखिए भारत चेंज हो गया अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए मेरे भाई दारों के खिलाफ जब बात या दारों की हक में बात जब नहीं करेंगे तो बाकी रह किया जाता है कि आप किसके खिलाफ बात चेरी में कड़वाहट महसूस हो रही है कीमत में इजाफा हो गया है चीनी की मिठास फिर से कड़वाहट में बदलने लगी है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है एक बहुत टफ लीडर है अनबिलीवेबल लीडर है कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेल बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है कभी भारत हमें के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते हमारी हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है ये एक अदारा है पाकिस्तान में एक सौ सत्तर रुपए का जो किलो आटा है हाँ। इंडिया में तीस रुपए का किलो आटा भारतीय वजी आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं की भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है जो काया पलट कर दी है इंडिया की वो तो आसान काम नहीं था ये तो अनबिलीवेबल काम है नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर पाकिस्तान में जो है ना एक तरीके से उथल फुथल मची हुई है अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ के जो बिज़नेस मैन है ना उनको इकट्ठा किया कि पाकिस्तान की हालत कैसे सुधरेगी कुछ आइडिया दीजिए सरकार को तो पाकिस्तान के जो बिज़नेस मैन है ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत तभी सुधरेगी जब भारत के साथ ट्रेड ओपन होगी अब इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है ना वो मजेदार है वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना वो चीन और अरबियों की तरह अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं जबकि हुकूमत जो है आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर ने जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर तो लोगों से पता ये चला कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे देखिए भारत चेंज हो गया अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते जो आपके साथ पीपल टू तो पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते जो आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप उनके जो कंसर्नस है वो अपनी जगह पे मौजूद है सो पाकिस्तान के जो था अब होता क्या है पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी पानी क्यों ना आए पानी क्यों ना आए अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो चार यूरोप के ममालिक हैं स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड और वगैरह इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो पंद्रह वर्ष की सौ अरब डॉलर की सरमाकारी की का माह हुआ है सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुहदे कर रही है और मजे की बात है ये जो मुहदा भारत के साथ हुआ था जो सोलह बरस से पिछले जारी था ठीक है जी सो तो ये वो आसान काम नहीं है भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं कई महीनों से लगे हुए हैं जो कि सुन सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं आखिरी फेजिस में है सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं कारोबार कर रही है मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया आई थिंक मेरे शो पे थे यहाँ पता नहीं मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा यार बात सुने हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी क्यों क्यों हम हम क्रिकेट आपके साथ? करें हम आपके साथ साथ करें आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है तो हमें तो नुकसान होता आपके साथ क्रिकेट खेलने का अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ मेरे लिए ये पहली दफा एक, एक नया एंगल था मैंने कहा अच्छा नुकसान होता है मतलब आपकी वो आपकी जो क्रिकेट की आपको याद होगा कि रमीज राजा ने यह कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें अब ये जो क्वेश्चन है ठीक है जी कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं वो वजीर शरीफ साहब जो हमारे मौजूदा वजीर है वो गए हुए थे कराची और वहां पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेस मैन है आरफ हबीब उन्होंने वज़िर अजम को मशवरा दिया जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया पाकिस्तान में दिखाया गया और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बात थी और उसके जिसे वो कहते हैं ना जो वजे अजम खामोश हैं इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया अच्छा वजीर अजम खामोश है ताजर कह रहे हैं वो करें अब वो वजीर अजम क्या बोले वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा सो so, अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन अब होता क्या है हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज हुकूमत इनको करती है पैंपर हुकूमत इनको करती देती है पैटर्नेज हुकूमत नहीं चाहती हुकूमत को कहते हैं ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं सो so, अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी ठीक है जी इंडिया के साथ मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का और ये एक दिन पहले की खबर है और खबर ये है कि जो जेपी मॉर्गन के CEO हैं हेड हैं उन्होंने आ, एक स्टेटमेंट जारी किया आप ये कह सकते हैं या उन्होंने एक बयान दिया है जिस पे उन्होंने जेमी है उनका नाम और जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना ये बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो किसी के इस तरीके से तारीफ करे तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है एक बहुत टफ लीडर है अनबिलीवेबल लीडर है तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है जो काया पलट कर दी है इंडिया की वो तो आसान काम नहीं था ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया अब ऐसा है कि इसके बजाय कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा क्योंकि मुझे देखिये इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी जिस तरह के हम आपसे ये बात कर रहे थे पहले भी आपको बताते रहे इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की जा रही है अब भी मेरा ख्याल है एक दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई कि एक इंटरव्यू के दौरान इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं उन्होंने कैसे तारीफ की है इंडिया की इकोनॉमी की और ये प्रिडिक्ट किया है कि 2025 और 2027 में ये थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड कहाँ तक पहुंचेंगे तो लेकिन एक लीडर की तरीके से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से सीईओ की तरफ से ऐसी तारीफ करना इतनी खोल के तारीफ करना ये कम नजर आता है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है पाकिस्तानी पत्रकारों को सुना है ना तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो पाकिस्तान को ना दोस्तों एक गलत है और गलत पाकिस्तान को यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो चाहेगा ना वो तमाम मुल्क जो है ना वो तमाम देश जो है ना वो मान लेंगे उसकी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी जिक्र किया गया है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद की उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उन्होंने जब कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर हटाई गई थी उस टाइम पर उन्होंने जो है ना ट्रेड को बंद कर दिया यही सोचकर उन्होंने बंद किया कि कोई बात नहीं है जब पाकिस्तान चाहेगा तो फिर से ट्रेड चालू कर देंगे लेकिन इस बार उनके साथ उल्टा खेल हो गया भारत के अंदर मोदी सरकार ने ना उनको किसी भी प्रकार का ना कोई लिफ्ट नहीं कराया अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि उनके विदेश मंत्री है दार उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए तो उन्होंने एक सिग्नल दिया अपनी तरफ से लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं गया तो अब वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड करना लेकिन भारत उनको किसी भी प्रकार से कोई लिफ्ट नहीं करा रहा है तो अब वो उलझ गए तो अब रह रह के बातें आ रही हैं अभी उनके जो पीएम है शहबाज शरीफ उन्होंने उनके बिज़नेस मैन हैं उनसे भी बातचीत की उन्होंने भी उनको यही राय दी कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करो तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी और पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो जो ज़्यादा डॉलर उनको बाहर भेजने पड़ते हैं इम्पोर्ट के लिए वो भी कम हो जाएंगे तो कुल मिलाकर उनके हालात में सुधार होगा बाकी आपने ये वीडियो देखी हैं अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद